अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, और सब्ज़ी है करेले प्याज। तो जनाब, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, अब मैं इसे काटती हूँ और काटने के बाद हम अपना खाना पकाना शुरू करेंगे। तो जनाब, ये देखें, मैंने करेले को काट लिया है और इसको मैंने रिंग शेप में काटा है। ये देखें इस तरीके से, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ और ऑयल में इसे हम डाल के इसे फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। तो जनाब, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और अब हमने इसमें करेले डालने हैं। अच्छा, ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, हमारा ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें क्रिस्पी से है फ्राई में चाहिए करेले। अच्छा, एक और साथ बात आपको बताती चलूँ कि सब जो है वो करेलों को नमक लगा के इसे कुछ आधा घंटा घंटा के लिए रख देते हैं, फिर इसको निचोड़ते हैं, बहुत लंबे प्रोसीजर में जाते हैं। तो मैं जो हूँ बग़ैर नमक डाले, बग़ैर इसको नमक डाल के आधा घंटा एक घंटा रखे, बग़ैर मैं इसे सिर्फ सिंपल, पहले मैंने धोया है, धोने के बाद इसे काटा है और हम इसे सिंपल फ्राई करने लगे हैं। कोई नमक वमक नहीं डाला, कोई मैंने इसे आधा घंटा एक घंटे के लिए नहीं रखा। तो जनाब, ऑयल हमारा हो गया है गर्म, अब हम इसमें डालने लगे हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये, और हमने इसको तेज़ आँच पर ही फ्राई करना है, हमने इसको स्लो आँच पे नहीं करना। बस आपने इसको इस तरीके से फ्राई करते रहना है और साथ साथ आप चम्मच भी हिलाते रहिएगा वक्फे वक्फे से, और आंच जो है धीमी बिल्कुल नहीं करनी, कम बिल्कुल नहीं करनी। हमें क्रिस्पी से करेले चाहिए तो हमने इसको तेज़ आंच पर ही फ्राई करना है। तो इंतज़ार करते हैं जब तक ये फ्राई हो जाते हैं। जनाब, ये देखें हमारे करेले जो हैं वो कुछ ब्राउन हो चुके हैं, बस थोड़ी सी देर हमने इसको और फ्राई करना है, थोड़ी देर और फ्राई करते हैं। जनाब, करेले जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, बस अब हम इसको निकालने लगे हैं। ये देख लें कि क्या है इसमें हमने किए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, बस अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हमने प्याज़ों को डाल देना है। तो जनाब, ये देखें, ये करेले मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने इसी ऑयल में डालने लगी हूँ तकरीबन दो प्याज, दरमियानी प्याज थे दो अदद, ये मैंने डाला है और इसको हम इसमें मिक्स करते हैं, ऑयल के साथ इसको हिला लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसमें जो है करेलों के सालन में बहुत ज़्यादा मसाले वसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिर्च, नमक, हल्दी, इन तीन चीज़ें और साथ टमाटर और थोड़ा सा लहसुन की जवे जो है इसको मैं काट के डालूँगी, बस एनफ। इसके अलावा हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस तीन चीज़ें, मिर्च, नमक और हल्दी, बाकी ना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, इन सब चीज़ों से हमने इज्तनाब करना है। ठीक है, और ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत जायके वाले, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो जनाब, प्याज को हमने थोड़ा सा नरम करना था, ये प्याज नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखें इस तरीके से, बस हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हम इसमें अब डालने लगे हैं टमाटर। अच्छा जी, मैंने लिए हैं दो अदर टमाटर लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है। मेरे टमाटर जो थे वो साइज़ में बड़े थे इसलिए मैंने दो लिए हैं। अगर आपके पास साइज़ में टमाटर छोटे हैं तो आप तीन से चार भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर दो अदर मैंने डाल दिए हैं और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो जनाब, मैंने इसमें टमाटर डाल के दो से तीन बार हिला दिया है, अब हम इसमें डालने लगे हैं हमारे मसाले, और मसाले सिर्फ हमने तीन डाले हैं, नमक, मिर्चें और हल्दी। तो एक चम्मच मैंने ली है नमक की, तकरीबन आधी चम्मच ली है मैंने हल्दी, और एक चम्मच ही ली है मैंने लाल मिर्च, बस। और इसके अलावा हमने इसमें और कोई मसाला नहीं डालना, अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो जनाब, ये टमाटर मैंने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, याद रहे कि हमने टमाटर का बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना और ना ही प्याज़ों का। बस अब इसमें मैं डालने लगी हूँ जो हमने फ्राई करके रखे थे करेले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने साथ डाल दिया है। और मैं इसके साथ एक लास्ट चीज़ डालने लगी हूँ,
वो है लहसुन। लहसुन की मैंने 5 से 6 जवे लिए हैं और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया है और ये डालने लगी हूँ। इसकी खुशबू जो है वो करेलों की सब्ज़ी को का मज़ा जो है वो दुबाला कर देता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने लगी हूँ। तो जनाब सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको दम पर रखने लगी हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और हमारे प्याज तो टमाटर तो करेले तो वैसे भी गले हुए हैं, हमने फ्राई किए हुए हैं, वो गल चुके हैं। बस हमने इसको इतनी देर दम पे रखना है ताकि ये सारी चीज़ें जो ये जान हो जाएं और मसाला जो है वो सब में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह। तो जनाब तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह, और खुशबू भी इतनी अच्छी सी आ रही है। तो जनाब हमारे जो हैं करेले प्याज जो हैं वो तैयार हैं। अब इसके ऊपर मैं धनिया छिड़क देती हूँ और साथ इसके हरी मिर्च। तो 2 अदद ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है इस तरीके से, और साथ ही मैं ये हरा धनिया भी इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए माशाल्लाह हरा धनिया भी डाल दिया है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और सबसे आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ जो आपको बहुत पसंद आए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।